कंधे पे भी बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अब चिड़िया भैया पर्ची ना मेरी उड़ गई, यहाँ रखी थी मैंने। तो हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ निशांत। तो गाइस आज मैं निकलने वाला हूँ चित्रकूट से दिल्ली की तरफ, और दिल्ली के लिए रास्ता पकड़ूंगा मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो कि बहुत ही बड़ा है। अभी पिछले साल ही शायद उसका इनॉग्रेशन हुआ है और अभी वो चालू हो चुका है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है वो सब चीजें मुझे नहीं मालूम, तो वो जाके रस्ते में पता लगेगी। तो चलते हैं, यहाँ पे पांडे जी को भी बाय बाय बोलते हैं, तो मैं आ जाता उसको भी बाय बाय बोलेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी पोपट हो जाता, पोपट मतलब बड़ा पोपट हो जाता। धन्यवाद, चलो भाई ठीक है, फिर मिलते हैं, अब नेक्स्ट खड़गपुर आते हैं। बाय पांडे जी। हाँ मिर्ची वाले, चलो बाय। चलो भाई चल पड़े अपन। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और 7:30 बजे मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। अभी मुझे सबसे पहले तो फ्यूल डलवाना है, उसके बाद जो है हमारी कंटिन्यू होगी राइड। पूरा भर दो फुल। एक्सप्रेसवे जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इस पर पेट्रोल पंप नहीं है? नहीं है, इटावा मिलेगा सीधा। बस 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 बस, अयोध्या से आए थे। हाँ अब अयोध्या से चित्रकूट आए थे, फिर चित्रकूट से अब दिल्ली वापस। तो भाई पहुँचने वाले हैं हम लोग कहाँ, मैं अकेला हूँ। अच्छा भरतकूप का रास्ता इधर है, यातायात पुलिस चित्रकूट। यहाँ पे कुछ मिल सकता है, सुबह सुबह चाय की दुकानें ही दिख रही हैं और कुछ नाश्ते वाला आइटम दिख नहीं रहा है। नमकीन वमकीन ले लेते हैं यार, चार दे दो। बस बस चलो, थोड़ा स्नैकिंग के लिए ले लिया है ताकि इटावा तक तो सर्वाइव हो जाए। 300 किलोमीटर से ज़्यादा ही है। थैंक्स फॉर विजिट, चित्रकूट होता है यहाँ से ख़त्म। अब बस आगे से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो जाएगा शुरू, कि हमको दिल्ली लेके जाएगा। ये क्या बेच रहा है, समोसा गरम है 5 रुपए का, ब्रेड में लगा के, ब्रेड लगा के। अच्छा ब्रेड पकौड़े के लिए ब्रेड है, गरम है समोसा। कर दो 4 पैक कर दो, पैक कर लेते हैं या खा ही लेते हैं, छोड़ो ऐसा करो खिला ही दो। भाई 10 रुपए के 2 समोसे, मैं 4 खा गया, इतने इतने से थे लेकिन टेस्टी थे। अब पेट भर गया, अब कोई टेंशन नहीं है, अब तो सीधा लंच करेंगे वो भी इटावा पार करके। तो भाई ये है ऊपर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो कि चित्रकूट में ही खत्म होता है और ये स्टार्ट होता है, उससे जुड़ा हुआ है ये आगरा लखनऊ से, तो वहां से स्टार्ट होता है ये, और लखनऊ से स्टार्ट नहीं होता, ये होता है कहीं इटावा के आसपास से शायद। 296 किलोमीटर लंबा है ये, लगभग 300। वेलकम टू बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अभी सुबह के एग्जैक्ट 8 बज रहे हैं, अभी हम एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं और देखते हैं यहाँ से दिल्ली पहुँचने में कितना टाइम लगता है, और जो रास्ते में ब्रेक्स वगैरह लूँगा वो भी मैं बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, और पूरे एक्सप्रेसवे के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी रास्ते में, तो वो सब भी दिखाता रहूँगा। क्योंकि ये जो रास्ता है ना पूरा बीहड़ों से होता हुआ जाता है, बीहड़ डाकुओं का इलाका जिसे बोलते हैं, उस रास्ते से जाता है ये रास्ता। यहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि ये अभी नया नया हाईवे खुला है। अभी आगे टोल आएगा तो टोल में देखते हैं कितने का टोल लगता है, क्योंकि मैंने जहाँ पढ़ा था वहाँ पे लिखा हुआ था कि 1 रुपये पर किलोमीटर का टोल है, तो अगर ये 300 किलोमीटर का हाईवे है तो 300 रुपये का टोल लगेगा बाइक का, तो 300 रुपये का बाइक का टोल है। आप कार का सोच लो कितना होगा। दिल्ली है यहाँ से 678 किलोमीटर, आगरा 435। आ गया पहला टोल प्लाजा, यहाँ पर आपको रेस्ट स्टॉप वगैरह टॉयलेट्स वॉलेट्स मिल जाएंगे, लेकिन आगे मुझे नहीं लगता कुछ है, टोल प्लाजा पे ज़रूर होगा, बाकी तो मुश्किल है। कितने का भैया? बना दिया वीडियो, चल रहा है वीडियो तो भैया। कितने का भैया? इटावा, हाँ लास्ट, हाँ जहाँ ख़त्म हो रहा है 310 रुपये। और करमपुर, हाँ करमपुर में वो वाला हाईवे आ जाता है ना, नेशनल हाईवे, हाँ वहाँ जाना है, दे दो। दिल्ली में गाड़ियाँ बहुत सारी है ना, तो नंबर बड़े बड़े हो गए। अब हम गए थे अयोध्या, अयोध्या से आए चित्रकूट, अब चित्रकूट से दिल्ली।
आगे पेट्रोल पंप वगैरह है कुछ? मिल जाएगा, वैसे तो फुल है अभी। कौन सा ये चैनल है? मेरा निशांत व्यूज के नाम से। हाँ जी, तो करमपुर एक जगह है, उसका टोल है 260 रुपए का। तो वहाँ पर एग्जिट लेकर अपन जो है लंच वंच कर लेंगे, फ्यूल टॉप अप कर लेंगे। वैसे आगे भी जा सकते थे हम, ये आगरा लखनऊ में ही जाके मिलता है, लेकिन मैं थोड़ा नेशनल हाईवे पे चलाऊंगा फिर आगरा लखनऊ पे जाऊंगा, नहीं तो फिर दोबारा ले लेंगे टोल जो भी है। ये टॉयलेट्स बने हुए हैं यहाँ, पानी वानी भी है, लेकिन ज़्यादा फैसिलिटीज़ की आप उम्मीद मत करो, क्योंकि यहाँ पर इतना ट्रैफिक भी नहीं है। क्योंकि जो भी बिज़नेस होता है वो प्रॉफिट के लिए किया जाता है, और यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं होगा बिज़नेस, क्योंकि इतना रश ही नहीं है यहाँ पर। 100 पे तो कॉन्स्टेंट चल सकती है यहाँ पर बाइक, और अगर आपकी और अच्छी बाइक है तो आप 120 तक टच कर सकते हो आराम से, मतलब 120 पे आराम से राइड कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई 100-120 से ऊपर मत जाना, क्योंकि है तो ये इंडिया का हाईवे, यहाँ पे जानवर वगैरह जो है आ सकते हैं हाईवे पर, जैसे अभी कुत्ता आ गया था। लोग वगैरह तो यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एग्जिट है ही नहीं कोई, सब पूरा बंद है चारों तरफ से, लेकिन रिस्क तो है ही। यहाँ पे ना देखो पूरा बंद कर रखा है, वो भी हाईवे के लिए ज़मीन रोक रखी है इन्होंने, कभी लेन बढ़ानी हो या फिर सर्विस लेन बनानी हो। और इमरजेंसी नंबर्स वगैरह सब दिए हुए हैं, लाइट्स वाइट्स भी लगी हुई है जगह जगह। गाने लगा लिए, अब थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक से चलेंगे, थोड़ा कम ही स्पीड पर चलते हैं, 80-90 पे, क्योंकि 100 पे ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके चलाना पड़ता है। 80 पे जो है आराम से चलती है स्मूथ, कोई टेंशन नहीं है, आराम से चलाते रहो। और देखो ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है अगर आप 80 पे चला रहे हो या 90 पे चला रहे हो और 100 पे चला रहे हो, 15-20 मिनट का मैक्सिमम फ़र्क आएगा मैक्सिमम, लेकिन आप आराम से इस पर कॉन्स्टेंटली 100 पे खींच सकते हो। मैं तो इसलिए नहीं खींच रहा, पता चला बाइक में कुछ ब्रेकडाउन वगैरह हो गया तो फंस जाएंगे अपन यहाँ पर। और अब भाई अभी यार एक चिड़िया आके लगी मेरे कंधे पे, ये देखो उसके पंख, बाइक से टकराई फिर मेरे कंधे पे टकराई, मर गई होगी बेचारी, पता नहीं लगी तो होगी उसके जोर से, यहाँ से टकराई और फिर मेरे कंधे पे लग के इधर चली गई। मेरे कंधे पे भी बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है अब। चिड़िया पंखों को उसके यहाँ पे चिपके हुए थे, पूरा कंधा हिला दिया ऐसे, और सोचो मैं 90 पे चल रहा था और चिड़िया आकर टकराई यहाँ पर। वो तो फर्स्ट इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ उसका, और सेकंड यहाँ पर हुआ। फर्स्ट अगर मेरे कंधे पे लगता ना मेरा कंधा टूट जाता, बहुत तेज लगती है। एक बार मेरे मुंह पे बटरफ्लाई लगी थी, चिड़िया तो हो रही, देखो सही है, यही थी शायद, चल तो रही है, अब इसमें दिख नहीं रही होगी, अब पीछे भी नहीं जा सकता मैं, आई होप बच गई हो बस। 70 किलोमीटर में आ चुका हूँ अब इस हाईवे पे ना, देखो आपको ऐसे बोर्ड दिखेंगे 75.1 हर 100-100 मीटर पे होंगे, और लास्ट में एक बड़ा बोर्ड होगा जिसमें आपको किलोमीटर दिख जाएगा क्लियर कितने किलोमीटर हो गया है। देखो यहाँ पे कितनी सारी चिड़िया बैठी हैं, ऐसी कोई ऐसी बैठी हुई थी और मेरे कंधे पे आकर टकराई है बहुत ज़ोर से, तेज आ रहा था तो मैं बहुत ज़ोर से लगी, मेरी आँखों से आंसू निकल गए, इतना ज़ोर की दर्द हुआ एकदम से। तो नो डाउट एक्सप्रेस वे जो है बहुत अच्छा है, लेकिन जो है ना यहाँ पे है सुविधाओं की कमी। रोड बहुत अच्छी है, अगर आपके पास पेट्रोल पूरा नहीं है तो आप बीच में फंसोगे, क्योंकि अभी मैं 150 किलोमीटर के करीब आ चुका हूँ, मुझे कोई पेट्रोल पंप नहीं दिखा है। मे बी हो एग्जिट लेके कहीं आपको जाना पड़ेगा, फिर आप वापस चढ़ सकते हो उस पे। मैंने टोल वाले से पूछ लिया था, उन्होंने कहा था कि आप एग्जिट ले सकते हो फिर दोबारा चढ़ सकते हो, तो आपका टोल दोबारा नहीं लगेगा, वही पर्ची जो है स्कैन हो जाएगी। और पर्ची से याद आया कि मेरी जो पर्ची है वो उड़ गई है, मेरा टैंक बैग जो है ये देखो यहाँ से फट रहा है, और मैंने इसी के अंदर रखी थी, अभी यहाँ से निकल के उड़ गई है। तो जब टोल पे पहुंचेंगे तब पता लगेगा कि वो क्या बोलता है। ऐसे तो बाइक का नंबर नोट किया था, उससे उनके पास होगा रिकॉर्ड, आई होप हो। अब बहुत ठंडा पानी हो गया, अब क्या है बाइक को भी थोड़ा रेस्ट मिल गया, 5 मिनट हमको भी मिल गया। इंजन जो है ना फुल गर्म है, फिर भी मैं इस पर हाथ लगा पा रहा हूँ, इतना ठंडा है, थोड़ा सा आराम मिला इससे। 2 मिनट का ब्रेक लिया था मैंने। विरमा नदी, नदी है, अच्छा नदी किनारे हैं हम,
मतलब नदी क्रॉस कर रहे हैं इस समय, ब्रिज पर है, तो इस वजह से यहाँ पर फॉग ज़्यादा है। तो गाइस अभी 130 किलोमीटर के बाद आपको एक रेस्ट स्टॉप मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा है जहाँ पे आप चाय वाय पी सकते हो, और एक पेट्रोल पंप भी है यहाँ। पहला पेट्रोल पंप मिला है 129 किलोमीटर पर। एग्जिट है ये हमीरपुर वाला, हमीरपुर वाले एग्जिट के पास में ही है। तो यहाँ से उतर के आप जा सकते हो, फिर आगे से वापस चढ़ सकते हो। एक ही ढाबा है बस, हाँ एक ही ढाबा है, और इधर आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। बेसिक सा ढाबा लग रहा है। अभी मैं आगे आ गया, वापस उतरने के लिए मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, तो उल्टा मैं जाऊँगा नहीं। अपन चल रहे आगे सीधा, देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जिट जब होगा तब वहाँ पर रुकेंगे। और हाथ जो है ना ठंडे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने लिया करमपुर तक का टोल, जो कि है यहाँ से भी 122 किलोमीटर, 2 घंटा 8 मिनट दिखा रहा है। उसके बाद हम NH 19 पे पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से मैं जाऊँगा जसवंत नगर तक NH 19 पर। टावा से जसवंत नगर, जसवंत नगर से जाऊँगा मैं NH 19 पर, उसके बाद लूँगा मैं यमुना एक्सप्रेस वे। तो पहला टारगेट है 122 किलोमीटर। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं बीहड़ों में। ये बीहड़ों का इलाका है, चारों तरफ आप देख सकते हो टीले से बने हुए मिट्टी के, ये बीहड़ बोलते हैं इनको। अभी तो और आगे जितना जाओगे उतना डेंस बीहड़ होते जाएंगे, ऊंचे ऊंचे टीले होते जाएंगे। ये देखो पूरा बुंदेलखंड का इलाका है। पर्ची ना मेरी उड़ गई, यहाँ रखी थी मैंने, नंबर से देख लो मिल जाएगा ना। ये रहा, चित्रकूट से एंट्री करी थी मैंने। आ गया, धन्यवाद। चलो पर्ची उड़ गई थी, मैंने कहा भाई पता नहीं जाने देगा नहीं जाने देगा, वैसे तो जाने देगा क्योंकि इनके पास रिकॉर्ड रहता है। तो जी बुंदेलखंड से उतरकर हम लोग आ गए हैं एशियन हाईवे 1 GT रोड पर। ये भाई भयंकर शीत लहर चल रही है इस समय पूरे नॉर्थ इंडिया में, शीत लहर में राइड करना पड़ रहा है। अब घर जाने के लिए तो करना पड़ेगा, ये तो पार्ट है जर्नी का। अब आगे जो है हम जसवंत नगर पहुंच चुके हैं, जसवंत नगर से हमें एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, तो उससे पहले टैंक फुल करा लेना ज़रूरी है। UPI चलेगा ना, फुल कर दो। लॉक कर दो ना, लॉक कर दो फुल। क्या यार दबाओ, चलाओ इसको। बस बस ठीक है ठीक है। तुमने कितना सुना? 100 कैसे सुन लिया तुमने? इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी। और बता। भरो और। बस 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 100 रुपए कैसे सुन लिया तुमने? 100 तो मैंने बोला ही नहीं है। 100 कैसे सुन लिया तुमने? तरीका देखा इनका चालू बंती करने का, 100 रुपये सुना है इसने। क्लियरली बोला मैंने टैंक फुल। तो यार मैं पहुंचने वाला हूं ग्रेटर नोएडा, और मेरा घर अब यहां से रह गया है 61 किलोमीटर। और अभी 5:10 हो चुके हैं शाम के, अभी मुझे 1.5 घंटा और दिखा रहा है ये, क्योंकि जैसे ही हम ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे ट्रैफिक शुरू हो जाएगा और ट्रैफिक में काफ़ी देर लगेगी। वैसे बस 60 किलोमीटर्स रह गया है, और टोटल राइड थी आज की करीब
700 किलोमीटर के आसपास, तो काफ़ी लंबी राइड थी। अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चला, तो अभी भूख भी लग रही है, तो घर जाके कुछ खाएंगे भी। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा तो आपको लग रहा होगा ये सर्दियां कहाँ से आ गई, ये तो गर्मी का मौसम चालू हो चुका है, अप्रैल आ गया है। लेकिन यार ये वीडियो है जनवरी की, जब मैं चित्रकूट गया था, अयोध्या गया था, वहाँ से जब वापस आ रहा था, ये उस दिन की वीडियो है। तो मैं डाल नहीं पाया था क्योंकि आपको पता ही है घर में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, अगर आपने मेरे शॉर्ट वीडियोज़ देखे हैं तो आपको पता होगा, तो इसलिए मैं वो वीडियो डाल नहीं पाया था। अब जाके मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा क्यों ना इसको शेयर कर दिया जाए, वैसे भी मैं राइड पे जा नहीं पा रहा हूँ अभी। आप लोगों ने ये वीडियो देखा भी नहीं है किसी ने भी, आपके लिए तो लेटेस्ट कंटेंट ही है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। आई होप आगे भी व्लॉग्स आते रहेंगे, उम्मीद है बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लाते रहेंगे। बाय बाय।